बताइए बहन जी, कैसा सूट सिल दूं? ऐसा। अटोक जी, मास्टर जी नाप ले ले। मैडम जी जरा थोड़ा उधर होंगे हम बे। हाँ जी लाइए, मैं आपका ना नाप ले लेता हूँ। जे का कर रहा हूँ, नाप ले रहा हूँ आपका। हेलो, अरे नहीं है ये नसबंदी का ऑफिस। अब देखिए बिना नाप के सूट कैसे सिला जाएगा, आप ही बताइए। अब क्यों, मान लीजिए टाइट हो गया तो ढीलो कर दई हूँ, और ढीला रह गया फिर तो टाइट कर दई हूँ। यार कैसी बातें कर रही है मैडम आप। अब मास्टर जी आप ही बताओ, अब बिना नाप के मैं सूट कैसे सिलूं है? देखो बहन जी, नाप तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो सूट नहीं सिल पाएगा। और अगर नाप ना दूं तो सूट नहीं सिल पाएगा। अजी सुनते हो? अरे उन्हें क्यों बुला रही, नाप कहा होगा है? सूट सिलने की मना कर रहा हूँ। अरे कौन सा मना कर रहा हूँ सूट सिलने को? मना नहीं कर रहे सर, वो तो हम ये कह रहे थे कि बहन जी अगर नाप दे देती तो बच्चे को सूट सिलने में आसानी हो जाती। रे मौसी के 3 महीना हो गए मेरे ब्याह को, मैंने तो नाप लिया ना, तू नाप लेगो और हम ना सिवा रहे सूट। अब हम लेंगे रेडीमेड, लूट या दुकान है। अरे भाई साहब कहाँ आ रहे हो आप? मानने वाले की दुकान हो है। 2 दिन पहले तो आपने मुझसे 400 रुपए लिए। पैंट सिलने के लिए बोला था, पजामा सिल दिया। कपड़ा चला दिए क्या? और चलो मासी जी से अपने बंदे कोई वाली 50-50 तक ला। पैसे दे मैं तेल लेना चाहिए। दो मिनट के लिए मशीन मिलेगी क्या? सुनिए, मैंने ब्लाउज दिया था मास्टर जी को सिलने के लिए। आ गया, कब से इंतजार कर रहे थे आपका। ब्लाउज सिल गया क्या? आपका ब्लाउज तो कब का तैयार है, मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, अभी लेके आता हूँ। ये लीजिए आपका ब्लाउज। डीप नेक तो नहीं सिला ना? क्या हो जाएगा अगर डीप नेक हो भी गया तो? बहुत दिक्कत हो जाएगी। कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं हूं ना। मुझे नहीं, आपको, आपको दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए कह रही हूँ डीप नेक तो नहीं सिला ना। क्या हो जाएगा अगर डीप नेक हो भी गया तो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का डीप नेक ब्लाउज सिलने की? मेरे बच्चे को छोड़ दो। मास्टर जी जरा कपड़ा देखियो और बताइयो कैसा। हाँ तो ये एक नंबर है। हाँ है ना, बढ़िया है ना, तो यहाँ 2 कमीज बन जाएंगे, निकल जाएंगे, बहुत प्यार से निकल जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कपड़ा बच जाएगा इसमें। आप एक काम करना, जो बचा हुआ कपड़ा है ना वो हमें 1.5x1.5 के 2 रुमाल बना देना। 2 रुमाल बनने के बाद तो ना बचेगा ना कपड़ा। काफी गुंजाइश है इसमें तो। गुंजाइश है तो मास्टर जी आप ऐसा करो, उसमें ना 1 जोड़ी जुराब बना देना है ना, और 1 90 सेंटीमीटर का कच्छा बना देना, और अगर प्यारी सी वाई कपड़ा की टाई हो जाती तो मास्टर जी मजा आ जाता है ना। मास्टर जी मेरे ना बेस्ट फ्रेंड के भाई की बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो आप ना एक फटाक सा लहंगा सिल दो जिसमें मुझे गला तो मनीष मल्होत्रा वाला चाहिए और बैक सभ्यताची वाली, और जो लहंगा होगा वो ऋतु कुमार का होना चाहिए पर उसमें वर्क ना तरुण ताहिली आने वाला होना चाहिए। पर मैं पैसे आपको 100 रुपये मीटर ही दूंगी। उसकी भी क्या जरूरत है, आप आ गए यही बहुत है। राम राम मास्टर जी, कमीज टाई बनियान कच्छा सब रेडी है ना? हाँ सिल गई, ये ले। अरे सब बढ़िया बन गया ना जुराब? अरे मास्टर कमीज टाई ये सब जुराब जैसी क्यों लग रही है?
सब जुराब ही बना दिए क्या? इसमें 5 जुराबे हैं। एक पेड़ में आम, अमरूद, चीकू, संतरा, लहसुन, घोड़ा नहीं लगते मोड़ा। साले थान मेरी खराब हुई, कच्चा बनियान कमीज मेरी ना बनी और मैं भागूं। साले गुड़रक तेरी मार। अरे मास्टर जी, 2 घंटा में मेरी नई थान, कच्चा बनियान, जुराब, कमीज सब रेडी चाहिए, नहीं तो तेरी मार। सब रेडी चाहिए मास्टर जी, आप ठीक तो हो ना? आपको लगी तो नहीं? जय माता दी। बताइए क्या सेवा कर दूं आपकी? और मास्टर जी, मैं ना तुम्हारे वास्ते बल्क विच काम लेके आई हूं। तो बताइए ना, हम तो बैठे ही हैं काम करने के लिए आपके लिए। पूनम, तू दस किस तरह का सूट सिलाएगी? माता जी पटियाला शाही सूट सिलवाऊंगी। नीतू, तू? माता जी फ्रॉक सूट। नीना, तू भी दस दे शरारा स्टाइल। बस मास्टर जी, तुहानू ना नत्ती दे पहले पहले सारी वैरायटी सी के देनी है, क्योंकि असी 30 दी मॉर्निंग ना जम्मू मेल पकड़नी है। अच्छा, वैष्णो देवी जाने का प्लान है आपका? थानू क्यों पता? अरे जम्मू मेल मतलब जय माता दी है। और सूट के बारे में कहूँ तो सूट की चॉइस आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि ये अर्धकुमारी तक अब ऑटो चलने लगे है ना? सुनिया तो है, फिर क्या मजा रहा चढ़ाई का? अरे कितना मजा आता था, जय माता दी बोलते हुए जाते थे। अब ऑटो से गए, उतर गए। नहीं जी, कौन समझावे, तीरथ नु तीरथ ही रहन दो है, जब सारी सुख सुविधा हो जाएगी तो तीरथ केड़ी गल दा। अच्छा, मैं ये क्या कह रहा था कि ये भैरव मंदिर के लिए तुरंत निकलना है या थोड़ा रुक के? ओ जी, जब पवन पहुंच के एनर्जी बची तो तुरंत, नहीं तो 4-5 घंटे रुक के ही जावांगे। अच्छा, मैं क्या कह रहा था बहन जी कि ये 30 की सुबह को कितने लोग निकल रहे? 80 सारे 26। अब 27 हो गए है। चलिए बहन जी, बोलो जय माता दी। राम 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 बहन जी भाई। राम राम। अरे आपकी मर्जी, आपका दर्जी बताइए, क्या सेवा करूँ आपकी? सिलगी बूसेट मेरी। अरे बिल्कुल तैयार हो गई, बिल्कुल सिल गई, वो देखिए टंगी हुई है, अभी उतार के देता हूँ। अरे थम जा, बहुत जान है इन टांगन में। अरे अरे, अरे क्या हुआ हिंदी भाई? लेग ज्यादा मार ली दीख है आज, लीगामेंट टक गोग। कपड़ा तो कतई बढ़िया है मास्टर। जॉन प्लेयर फेल हो जाएगी इसके आगे एंड्री भाई। जॉन प्लेयर तो कतई नाम बना रखे हैं। यू जो सिलवाई हुई बू सेट हो यासु बढ़िया। यू क्या सिलो तेने? यू ब्लाउज सिल दियो तेने मास्टर, या पहन के मालदीप जाऊं मैं? हेनरी भाई, वो थोड़ा कंधी से टाइट हो गई है, आप जिम जाते हो ना तो इसलिए थोड़ा साइज ऊपर नीचे हो गया है। अरे कौवा के पंख कर दिए तेने फूफा। यू बता दूसरी बूसेट कहो मेरी। नहीं वो कपड़ा तो एक ही का काटा था ना हेनरी भाई। अरे चूतिया काटो तेने, 1 महीना पहले जब तेरी यह दुकान पे आया हूं मैं 5 मीटर का थान लेके, तो तेने नू कही 2 बूसेट होंगी बढ़िया। यू बढ़िया सिलो तेने है, बोले क्यों ना? अरे मास्टर जी, कितनी बार कहा यार मुझे मत भेजा करो सैनरी नागर के घर में, घर वाली चिपटा चिपटी करती, फिर मुझे गुस्सा आती है। अरे रुक जाओ यार, 1 मिनट बात करने दो, फिर बताओ अगर कल को कोई बात होगी तो तुम भी बीच में ना आने के, और फिर वो मारेगा मुझे अलग से। अरे भाई दूसरी बूसेट कहाँ मेरी नगर? अरे बात बात बटो, कैसी बात कर रहे हो मास्टर? पूरे 3.5 मीटर कपड़ा लेकर आई हूँ मैं, क्यों नहीं निकलेगी सलवार? अरे बहन जी, आपके सामने तो नापा है, 2.25 मीटर है ये, कम दिया आपको इसका मतलब? हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती, मैं अपनी आंखों के सामने पूरे 3.25 मीटर कपड़ा कटवा के लेकर आई हूँ। अरे दुकानदारों का इंची टेप छोटा होता है, 3.25 मीटर बोल के 2.25 मीटर चिपका दिया आपको। बताते ज्यादा है देते कम है। कमाल है मास्टर जी वैसे आप लोगों का भी, जितना मर्जी कपड़ा ला कर दे दो आपको हमेशा कम ही पड़ता है। नहीं नहीं मास्टर जी, काम करो ना आप, 2.25 मीटर में पूरा लहंगा ही सिल दो इनका। मास्टर ये बात कैसे कर रहे हैं मुझसे? वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे आप मास्टर जी से बात कर रही हैं। अरे जब वो कह रहे हैं कि 2.25 मीटर कपड़ा, मान ही नहीं रही, बहस करने जा रही है मैडम आप। अरे आपका कपड़ा कम होगा जब भी वो बोल रहे होंगे ना 15 साल। अरे मास्टर जी पीछे हटिए, मैं बात करता हूँ, 15 साल से धंधे में पागल थोड़ी है वो। नहीं मतलब जो बोल रहे हैं तो कम होगा ही ना, आप हाथ पे हाथ करने जा रही है। समझा लो अपने इस लड़के को मास्टर, नहीं तो ऐसा फंसोगे हाथ जोड़ते नजर आओगे।
किसका सिलवाना है? गर्लफ्रेंड का। सेक्सी सा सिल दो। साइज मालूम है? कहाँ का साइज चाहिए आपको? कहाँ कहाँ तक पहुँच गए साइज लेने? हमें तो सब जगह का मालूम है, आप बताओ आपको कहाँ का चाहिए? बटुक जी मास्टर जी साइज लिख ले। नहीं, मुझे आप ये बताइए कि आपके इस 2.25 मीटर कपड़े में पोनी बाजू भी और आपको पटियाला सलवार कैसे निकाल के दे दे? मास्टर समझा लो अपने इस लड़के को। बहन जी आप समझदार हैं, ये बच्चा है बहन जी, चुप हो जा, चुप। अब मैं बताती हूँ मास्टर कि 2.25 मीटर में पोनी बाजू और पटियाला सलवार कैसे सिली जाती है। अब निकल जाएगी मास्टर जी पौनी बाजू और पटियाला सलवार? माफ कर दो बहन जी, जैसे बोलोगे वैसे करेंगे। थैंक यू। जैसे कोई रेत का टीला जिस पे बार बार फिसल कर गिरने का दिल कर। वाह सर क्या बात है, रेत का टीला। और सर बाजू क्या रहेगी? एकदम मुलायम। हाय हाय। छाती? वे छाती लड़कों की होती है, लड़कियों की तो। समझ गया सर समझ गया। ये कमर? सुराई जिससे बार बार पानी पीने का दिल करे। मार ही डालोगे सर। अच्छा तो कब तक सिल जाएगा सूट? कल ले जाइए। और मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक दो सूट सिलवाई लिया करो अपनी गर्लफ्रेंड के, मैं कर दूंगा। बहुत तेज हो रिया है। चल बड़ा खींच दे कम, शाबाश खींच दे। बटुक। हाँ जी मास्टर जी। साइज ले लिया? हाँ लिख लिया। ये लो। मास्टर जी देख लो, अगर मैं कहीं बाहर सूट सिलवाने चली गई ना आपको नुकसान हो जाना है। आपको पता है मैं पिछली पार्टी में भी ना अपनी सहेली का सूट पहन के गई थी। मैंने आपसे कहा था कि इसका गला गोल बनाना, आपने बना दिया स्वीट हार्ट। मुझे नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में कोई स्वीट हार्ट। मास्टर जी मम्मी की साड़ी चुरा के लेकर आई हूँ। साइज ले लो। इसका नारकली बन जाएगा। तुम ज्यादा कर देना ज्यादा। मास्टर जी पैंट शर्ट सिलवानी है। सिल जाएगी? नाप ले लो फिर सिल जाएगी तो भी ले लेंगे। क्या सिलवाने? पैंट शर्ट। अब पहन के क्या आए तू? सही तो है। हाँ और क्या, सही तो है। तो सिल दूँ तेरा टी शर्ट और निक्कर में? टी शर्ट निक्कर क्यों सिलोगे, जब पैंट शर्ट सिलवानी तो पैंट शर्ट ही सिलोगे ना। लंच टाइम हो रहा है मेरा, जा रहा हूँ मैं। ठीक है आप लंच करके आ जाओ, फिर जल्दी आना लेकिन फटाफट। मास्टर जी चलो ना, और कितना खाओगे, चलो फटाफट। चलो ना मास्टर जी सिलो ना मेरी शर्ट पैंट। मास्टर जी दुकान की चाबी दे दो, मैं खुद ही अपनी पैंट शर्ट सिल लूंगा।